अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 42 में खुश आमदीद। मैं हूँ सज्जाद जानी और मेरे साथ नाज़रीन आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो माहौल बनने वाला है। ये मेरे दोस्त हैं चारों, ये आपने पहले भी एक शो में देखे होंगे फैसलाबाद वाले शो में, अभी ये लाहौर में भी मेरे साथ हैं। ये हैं जनाब आतिफ भाई, ये हैं अपना मुबीन भाई, मुबीन इस्लाम, इनका बाद में कैटेगरी बताता हूँ। ये एहसिन भाई हैं, वो जेदी हैं, मलक जेदी। अच्छा, ये चारों हैं आरजे, आरजे एफएम के जो आरजे होते हैं। भाई ये आरजे का वो क्या होता है, इसका तखल्लुस नेशन क्या होती है? तखल्लुस इसका होता है रेडियो जोकी। रेडियो जोकी, आरजे जोकी मतलब? जोकी मतलब रेडियो के जोकर? नहीं, जोकर नहीं, जोकी जोकी मतलब? जोकी वो की, जिन्हें जोकी आया तो उन्हें जोकी। जी जी, मतलब सवारी करने वाला होता है घोड़े पे। अच्छा, जोकी 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 तेरे इश्क ने की तारो की। नादरीन ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अभी बात ये है, पहले दो बातें। एक बात ये है नादरीन कि ये हमारी ना एक कल ना एक शर्त लगी है, बैट बैट लगी है हमारी। इसने इंग्लिश बोलनी है एक हफ्ता हम चारों के साथ, फोन पे बात करें चाहे वैसे करें चाहे जो मर्जी करें, इसने इंग्लिश ही बोलनी है। इसने उर्दू या पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज का एक लफ्ज़ बोला तो ₹100 एक लफ्ज़ का जुर्माना है, एक लफ्ज़ का ₹100 जुर्माना है। चाहे ये 10 बोल दे या 2 मिनट बाद फिर बोल दे, ₹100 पड़ते जाना है। ये जो तीनों हैं इन्होंने सिर्फ उर्दू बोलनी है, इन्होंने उर्दू के अलावा अगर कोई इंग्लिश या कोई पंजाबी का लफ्ज़ बोला इनको भी एक लफ्ज़ का ₹100 पड़ना है। मैं फ्री हैंड हूँ, मैं उर्दू बोला, पंजाबी बोलूं, इंग्लिश बोला, मैनू फ्री है। और मैं इनसे काफ़ी तौर में कमा लिया नादरीन, कल से आज तक मैं तकरीबन कुछ 2500 रुपये इन्हें को कमा लिया, 1200 इनको, 600-700 मुबीन भाई को, इन्हों को भी। ऐ जरा बोलता ही बहुत घटा, लेकिन अच्छा एक होर एक तो गल होगी। दूसरी गल, इन्हों की शादी आ अगले हफ्ते मेहंदी आ, मेहंदी तो बाद शादी आ। सारा इंटरस्टिंग गल नादरीन ये है कि देखो माशा मासूम बच्चा, इंटरेस्टिंग गल यह है कि रिश्ता ना घर ने कराया, ना इसके किसी रिश्तेदारों ने करवाया, ना किसी विचोलन ने करवाया, ना किसी रिश्ते कराने वाली ने कराया, इनका रिश्ता इन तीनों ने करवाया। मेरे भी पूछो बगैर, ये आरजे इन तीनों ने रिश्ता करवाया और इसने हाँ कह दिया। कोई इसने नहीं पूछा लड़की कैसी है, क्या उसका हिसाब किताब है, खानदान कैसा है, ये इनको पता है। इन्होंने कहा जी तुम साढ़े आसरे तो कर लो, असं जिम्मेदार हाँ। वह भी इन्होंने गल करते। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कोशिश करनी है ना ये पंजाबी बोलन दे, मैं पैसे कमावा, देखना तुसी जरा की हाल जी। जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनो, खिच पई होंदी इन्हां नूं पंजाबी तो बाद उर्दू च जवाब देना। ए देखो एडे सीरियस है नहीं, सिर्फ ना 100-100 बचण वास्ते ना घुटे बैठे ने, फुल है नहीं ओदा दे। ऐसी कोई बात नहीं जानी भाई, एक एक लफ्ज़ सोच के बोल रहा एक एक लफ्ज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जानी भाई। छोटा भाई हमारा तो रिश्ता, हमने कहा यार इसका होना चाहिए, तो कोशिश की हमने, अच्छे खानदान की लड़की मिल जाए, जानने वाले थे तो हमने फिर सारों ने मिल के सोचा, सर जोड़ के बैठे के यार इसकी शादी करवानी है तो किसी जगह तो करनी ही है। करोड़ कितनी करोड़ के बोल बड़े भाइयों का ज्यादा फर्ज होता है कि वो शादी करवाए, आपने कोशिश करके एक जगह पे इसके रिश्ते की बात चलाई, वो सही हो गया काम। अच्छा एहसन भाई तुसी ये दसो कि तानू इन्हां ते इन्ना यकीन आ कि इन्हां ने जिथे तुहाडा रिश्ता कराया दोस्तां ने तुसी कर लिया? Yeah, exactly. These are my buddies and I really trust them and I know that they have found the best person for my life. So ऐसा तर्जुमा करिए यार। इसका तर्जुमा ये कि हाँ जी मुझे इन पे यकीन है और मुझे इस बात का भी गुमान है कि इन्होंने मेरे लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश किया होगा। अच्छा अच्छा, दिस इज थ्री फ्रेंड्स योर? आई हैव थ्री फ्रेंड्स, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स। यस ब्रदर्स, एंड बिलीव आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली 100%। तो वो जो गर्ल है, ओह सॉरी व्हाट गर्ल, योर फैंसी 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 होता है हाँ, योर फैंसी भाई मैंने माफी है
Okay, the fiancé. Fiancé, okay. Yeah. Your fiancé. Fiancé. Oh, fiancé. Your fiancé. ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿਆ ਹੋ ਟੂ ਮੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਟਰਸਟ ਥੈਮ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਕ ਗਰਲ ਯਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਥੀਸ ਫਰੈਂਡਸ ਗ੍ਰੈਂਟਿਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੇ ਅੱਗੇ ਆਦੋ ਨਾ ਇਹ ਹਮ ਸੇ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ 100 ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਸਾਨ ਬਲਕੇ ਉਰਦੂ ਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਰਦੂ ਬਲਕੇ ਜੀ ਜੀ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਕੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਓਕੇ ਹਾਊ ਟੂ ਓਏ ਹਾਊ ਟੂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲਹਿਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵਟ ਯਾਰ ਕੀ ਵਟ ਯਾਰ Should I speak like that or the solution apna you know acha tu you see your wife see dekhi hai you mean I met her you want to say that yaar tu dekhi ya matlab wo puch rahi hai ki aapne usko dekha hua hai jisse shaadi hone wali hai oh no they have seen you know the yakeen kar le yeah ਉਹ ਟੀਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨੋ ਨੋ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਟੀਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਰਾ ਇਨ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਆਈ ਵਾਓ ਇਟਸ ਨਿਊ ਇਟਸ ਨਿਊ ਨਿਊ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਓ ਯਾ ਸਰ ਚਾਇਲ ਸੋਰੀ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਯੂਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇਕ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਧ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਮੈਨੇ ਐਸੇ ਕਹੀਂ ਦੇਖਾ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ ਥੀ ਮੈਨੇ ਉਸ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਧਰ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਮ ਭਾਈ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਓ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਸਕੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਤੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ ਥੀ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਬੱਚੇ ਆਇਂਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇਖੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਯੋਰ ਵਾਈਫ ਯੋਰ ਵਾਈਫ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਟਾਂਕਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਪੀ ਲੈਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਯੂ ਨੋ ਟੂਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਟੂਚਿੰਗ ਆਮ ਨੋਟ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੋਕਿਨੇਟਿਕ ਸਮੋਕਿਨੇਟਿਕ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਸਮੋਕ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਮੋਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੇ ਨੋ ਹਰ ਬੈਟਰ I don't know. Jo inhone kar liya. Yeah, yes, the best choice. Okay. Agar zyada masla hua bhi Sajjad bhai to hum usko smoking chudwa ke hi Nahi nahi kar to unko kehna to paras de vich rakh liya kare ho jehdiyan safariyan. Safari bhi hoti hain wo bhi rakh sakte ho. जैसे कहती है ना जानी भाई जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं हम इसको तो जानते ही थे तो माशाल्लाह उस बच्ची को भी काफी ज्यादा दौरे पड़ते हैं ना तो हमने ये डिसाइड किया मैंने और मुबीन ने कि इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी मतलब उस बच्ची की खासियत में यू तनु दौरे पेंदे ने मिर्गी आई गो टू ट्रैवल खलोते खलोते यू नो रोलिंग वाइब्रेशन मूड उसके बाद धड़म नथी ਮਿਰਗੀ ਮਿਰਗੀ ਯੋਰ ਚਮੜਾ ਲੈਦਰ ਮਿਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਗੀ ਮਿਰਗੀ ਦੌਰਾ ਦੌਰਾ ਰਾਊਂਡ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਓਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ
गिर जाने वाली बीमारी है ना यार, गिर जाते हो तुम बाद में आफ्टर ड्रम यू नोज ऑन स्लीपर्स जब लेदर ओ आई स्मेल स्लीपर्स या ओ तेरी बूटी नहीं है दैट इज अ गुड क्वालिटी यस गुड क्वालिटी अच्छा उसमें मसले तो है ही हैं लेकिन उसमें एक क्वालिटी भी है मतलब वो कंघी करती है ना जब सर में ते नौ ते जूड़ा के बहुत अच्छे तरीके ना पटाखा भी मार लेती है पंजाबी बोली है लेकिन ये मैं एसन को बताने ही वाला था, चले मौका मिल गया मुझे, कि अक्सर जब वो उनको फिट्स होते हैं जब ये दौरा पड़ता है तो वो घर के जो बर्तन है वो उठा के बेचने चली जाती है और उससे शॉपिंग करती हैं वो। ये छोटा सा उनके साथ एक मसला चल रहा है, लेकिन ये नहीं है कि उनके पास घर में खाने पीने के लिए नहीं है या कोई मतलब कैश का इशू, ऐसा कोई इशू नहीं है। जब वो फिट्स होते हैं उन्हें तो वो बर्तन उठाती हैं और वो सेल करके उनकी जेब देके मैंने ये बेच के अपनी शॉपिंग करनी है। महीने में 8-10 मेरे 100 रुपये पे आपकी बड़ी नज़र है। अम्मा सूफ ने 2 दफ़ा फिट्स बोला और कैश का लफ्ज़ भी बोला, मतलब 300 रुपये इनकी तरफ निकल गए। भाई आपने कैश का लफ्ज़ बोला? देखिए नहीं आपने कैश का लफ्ज़ बोला है? देखिए मैंने कैश का ऐश नहीं कहा। नहीं कहा आपने कैश जी। 100 रुपये निकाल 100 रुपये भाई जल्दी, तू भी 200 काट। ऐसे भाई एक छोटा सा मसला और भी था, मैंने आपको बता दिया था, नींद में चलने की आदत है, सीढ़ियों वगैरह से 1-2 दफ़ा गिरी भी है। लेकिन ये डरने वाली बात 300 हो गया, एम ही नहीं होता उर्दू में। आप दिला बचा उसको, उर्दू में एम नहीं होता, 300 हो गया। हाँ ना ओके 300 मेरी तरफ हो गए। 300 नहीं होता, 300 होता, 400 हो गया। अब मतलब 400 रुपये मेरी तरफ हो गए। अच्छा आप ना बच्चे को एम ही परेशान ना करें, एम ही फिर कहता 500 हो गया। आप बच्चे को ना परेशान ना करें भाई, ठीक है? बड़ी सोबर बच्ची है। सोबर सोबर उर्दू का लफ्ज है भाई, इंग्लिश का सोबर, सोबर 600 का सोबर इंग्लिश का लफ्ज है। कहां पे लेकिन ये बड़ा जरूरी था यही बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरह से इसने यके बाद दीगरे इतने अल्फाज बोले, मेरा मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं कहूँ 100 रुपया दिया मैंने इसलिए रला डाला। उर्दू चेक करना तो Should I have to give you money? Like they give you every second? ये आपसे शादी के बाद मिलेंगे। चले इंग्लिश में भाई उर्दू बोलनी है और यही जो कानून है ना यहाँ पे भी लागू है, उर्दू बोल। अरे वाह इतनी जल्दी हार मान गए आप। हाँ अभी ये बताओ जी, दौरे उससे पढ़ते हैं जी, उसके बाद वो कह रहे हैं जी के बर्तन घर के बेच देती है, साइको भी है थोड़ी सी, ठीक है, डिप्रेशन की मरीज भी। देखे ना मतलब ऐसी कैंची साइकिल चलाने का शौक है थोड़ा सा ज्यादा नहीं। वो केड़ी वोटी है मरे जेड़ी कैंची साइकिल तो ऐसे करके टांगे नहीं, टांगे ऐसे करके नहीं, वो एक टांग इधरों की काट के ना थल्ले होनी है जब कड़िकी जी पा के ते इंज ऊपर फड़ के ना ते दिस इज कैंची जी जी कैंची साइकिल किड्डा सोहना लगेगा, तेरी बुड्ढी ने तेरे बुंडा पीछे बिठाया हुआ आप कैंची साइकिल चलाउंदी आ रही है गली च, कैसा अच्छा लगेगा तुझे? देखे ना मतलब जो मेरी होने वाली बेगम साहिबा हैं वो खास हैं, आम औरतों आम खातून जैसी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अगर मेरे दोस्तों ने मेरे लिए एक अच्छी ओए दोस्त बड़ा बड़ा बेड़ा गर्क करा देंदे होते, तेनू नहीं पता तू की इन्हां दे मगर लग गया मरे। देखे मैं इन्होंने मुझे गारंटी दी है कि अगर आप गारंटी लफ्ज इंग्लिश का होता है 100 रुपये दे दे। अच्छा तू तेरी ख्वाहिशा की ने, बीवी नू तू कित्थे लेके जाएगा? मुझे बाहर से डर लगता है। बाहर से
करतूता सुन के या वैसे वैसे घबरा जाते हैं। हैं? बहादुर है, बहादुर है, जहां मर्जी ले जाओ उसको। अकेले नादरीन एक ब्रेक ले लेने, गल बढ़ रही है, एक ब्रेक ले लेने, ब्रेक तो बाद दोबारा हाजिर होने। मैं इन्हों ना कुछ गल नहीं दस रहे, इन्हों मैं 5 मिनट ना शरत तो आजाद करता है, तो देखना कैसे कैसे इंकशाफात होंगे। ब्रेक तो बाद होंगे दोबारा। वेलकम बैक नादरीन, गल हो रही थी, मैनू ज़्यादातर मैं उर्दू बोला, इंग्लिश यू नो स्पीक, आई एम इंग्लिश टू यू विद योर एरिटेशन ऑफ टेबल टॉक, दिस इज द नो इनविटेशन। और ये यदि मंगनी है, अगों यदि मर्जी आ, हाँ करे ना करे, हाँ करे तो मंगनी हो जाएगी, ना करेगा तो। जानी भाई पहले मैंने सब तो पहले दसो कितनी देर होगी तुम शो करने? मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए। कभी आपको नजला जुकाम हुआ है? नजला जुकाम मुझे अक्सर होता है। अच्छा, इस गल में छोड़ो, मैंने तो तुसे रोड ते तुरियां जांदे कदी तुहाडा गिट्टा निकलिया? पांव मोच आ जाती है। बंदियां दा तुसी कईयां दा कंधा निकलिया देखणा, कूनी कूनी ते सट लगी देखी तुसी कदी? कोहनी मेरी जब तलातुम में घिरती है ना। तलातुम को भी छोड़ो, ए वाल तुहाडे जेडे ने एडे संगणे किंज ने ये, मैं जब इसमें पैकरे मदहोश। अच्छा, तुहानू उर्दू दे अक्षरां दी भी समझ आउंदी है? अल्फाजों की मुझे तकरीबन समझ आती है। आप कितना औखा होया हुण भाई। अच्छा सजाद भाई, आज जड़े तुसी लीड़े पाए हुए ने, ये कित्थों लिया सी? ये मैंने मोहतरम क्या ये क्या मोहतरम, ये मैं अक्सर औकात जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके जब मैं जिंदगी की रमिश को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास कमतरी में जब मैं शिकार होने लगता हूँ, उसमें घुस के बाहर आके मैं जब पैमाने इश्क तक पहुँचता हूँ। पैमाना इश्क नू छड्डो तुसी, जवाक किन्ने तुहाडे? मेरी आल औलाद जो है इसमें। अच्छा मुंह दे एंगल चाहिए। आल औलाद जो है। अच्छा जुत्ती तुसी बांधे पांदे हो, खेड़ी पाउनी? मैं पिशावरी चप्पल पहनता। मोहब्बत को मैं देखता हूँ कि मोहब्बत जो है इसका सुरूर लताफत जो है इसमें एक 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 इस इसमें एक एक सदी इसको हाथ नहीं लगा, ये मैं अपने बटुए में डाल लेता हूँ। आप लोग इस वक्त काफी शोखे हो चुके हैं, आपकी जिस्मानी कंडीशन तवानाई है। कंडीशन आपकी जवानी की हालत जो है इसमें मैं इस घुटने पामाले अक्तस में घुटने होता गिर चुका हूँ। कभी सितारे देखे तुसी? सितारों की बंदिश मैं जानता हूँ। अच्छा कभी साइकिल तुहाडा खड्डे च वड्डे बचे? मेरा साइकिल जो था उसको मैं संभाल के इतना संभाल के रखदा। एक मिनट, साइकिल तू संभाल के रखदा रहा जानी, लेकिन कभी तेनू सुत्या पिया कड़ल पिया लत च? मोच कड़ल लत च, मोच गिट्टे च पैंदी? मोच आएगा 100, आएगा 100, आएगा। कड़ल मीन सोचना भी नहीं, द कड़ल मींस द बोन बैक साइड निचू हड्डी, हड्डी जो तिशनगी में आती है। तिशनगी नु छड्डो, सरों दा तेल जड़ी पुड़पड़ी च चसवाया। सर के बालों को अगर आप हयात करना चाहते हैं। अच्छा कभी अर्क च करंट पे आए थे? अर्क च आए थे, अर्क च कोहनी में। हाँ जी, वो जो पड़ता है, वो ही जो पड़ता है, जो बिजली का झटका सा महसूस होता है, अचानक रंजश तो होगी तुहाडे को जानने वाली जी। प्रवीण दे खूह तो जाके पानी भरिया। ये लोग इतने पागल हो चुके हैं मुझे, मेरे से रुपया जीतने के लिए। भाई बकवास बंद करो, बकवास नु गोली। भाई परस मेरा इधर था, नहीं चला गया किते। एक गल होर दसनी सी कुड़ी दे बारे च, यार मिट्टी खांदी है कदी कदी,
अच्छा इन्हां दीआं गल्लां च नहीं आना भाई हुणां दीआं च अल्लाह की कसम एडी चंगी कुड़ी आ चढ़दियां गर्मियां जिहड़ी उहनूं पेत निकलदी आ ना एडी अच्छी लगदी उहदी खूबसूरती दा इज़ाफा कर अपना जानी भाई तुहाडे वर्गे लोक हुंदे ने जिहड़े घर दी लोकां दे वसण दिंदे देखो हुण इक कुड़ी है शरीफ कुड़ी है शरीफ मुंडा है दोवें रल जाणगे ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡੇ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡੇ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪਾਰਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਇਸਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰ ਲਓ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕੇ ਡਰਮ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਐਡੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਆ ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਨੀ ਬਲਗਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਹੈ ਯਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਗਮ ਹੈ ਯਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਦੇਖੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆਪਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੜਕੀ ਇਸਕੋ ਅਭੀ ਲਈ ਅਭੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੇਖੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਘੂੰਘਟ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੂੰਘਟ ਉਠਾਈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਆਰਸੀ ਮਸਫ ਜਿਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਗ ਲਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਐਡੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਐਸਨ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਕਸਬੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਲੈ ਅਗਲੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਸਨ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਦੰਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੜੇ ਬਾਜਵੇਂ ਮੈਨਾਂ ਉਦ ਬਲਾਉ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੜੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਐਦਾਂ ਐ ਬਲੇ ਔਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੜੇਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਛਾ ਤਾਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਐਵੀਂ ਸਰਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਾਂ ਐਵੀਂ ਐਵੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰਤਾਜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਤਾਜ ਕੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਤਾ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਲ ਲੈ ਲੈ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾ ਮਿਲਦਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਦਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਏ ਆਪਕੀ ਆਪਕੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦੁਆਏ ਦੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਸੇ ਮੁਝੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਨਾਦਰੀਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਜਣਾ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਭਲਾ ਕਿਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਗਾ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤਰਜ਼ ਲਈ ਆ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਜਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੋ ਨਿਹਾਲ ਸਜਣਾ ਅੱਛੀ
होगा दुनिया में तू बेमिसाल सजना मेरे बच्चे मेरे नोने हाल सजना। अच्छा तर्ज होआ इदां ही ओ गाना हैगा ना जिहड़ा अक्सर व्याहवां शादियां ते जिहड़ा हुण आपां इहदी मेहंदी ते वी चलाउणा, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। इहदा अगर थोड़ा जिहा मजा कर लो ते किद्दां हो जाएगा, प्यारा दा बाबुल मेरे राजां दा देसा। पुठा पुठा वाह मजा आएगा, बड़ी पुठी गल कीती। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਨਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਝੇ ਉਨ ਜਵਾਨੋਂ ਸੇ ਹੈ ਸਿਤਾਰੋਂ ਪੇ ਜੋ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਕਮੰਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਓ ਯਾਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਮ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਤਾ। ਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਹਕਮਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ। ਓ ਭਾਈ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋ। ਨੁਕਤਾ ਮਤਲਬ ਡਾਟ ਨਾ, ਡਾਟ ਨਾ ਹੋ। इंग्लिश कह देते जैसे 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 को लफ्ज में नहीं होता जी, सारे लफ्ज में नहीं होता हैं। शेर हो पूरा, ये मैं तुहानू कल सुनावांगा। अच्छा नादरी ने एक आवाज काढ़दा हुंदा देखना, हस हस मैं दूरा हो जाना। मेरे पास एक दोस्त भी है। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम है नासा चोड़ा। वो कहां पे रहता है? वो मेरे खब्बे हाथ पे रहता है। ये वाला मेरा खब्बा हाथ है। मैं ना मुझे कोई तंग करे मैं उसके मुंह पे थूक भी छोड़ देता। और कुछ? मैं दंदी भी वाड लेता होता हूँ। छोटा बच्चा। मेरी एक मिस है, वो मुझे कहती है हाँ जी मेरे पास दो पेंसिले, एक हाथी रबड़ और पांच शार्पनर है। ये 100 रुपया भी मेरा है। मुझे ईद पे मिला था। मैं बुर्श भी करता हूँ। यार देखो यार ना दादरी, ये हमारे फैसला बात कर मेरा दोस्त है बड़ा। अच्छा, अच्छा तुम स्कूल जाते हो? मैं रोज स्कूल ले जाता हूँ। यार तुम्हें क्या? अच्छा मारे घर का बच्चा ना, तो नवी नवी उर्दू चढ़ी। यार ये ऐसे फिक्की बातें कर रहा है। दोस्त बनना। अच्छा अरे मामा पापा तुम्हें बाहर सैर के लिए लेके जाते हैं, तुमको किस किस चीज पे बैठ के वो घोड़े पे बैठते हो, किस पे शौक है? कुत्ते पे और लूंबड़ पे। मैं भी कहा जेदी तेरे लग दे चरीटा को पई। तू कुत्ते से ना बहना यार। मेरा दोस्त है कुत्ता। कुत्ता दोस्त है? कुत्ता हाँ मेरा दोस्त है। गली में या कहीं में? वो ना उधर वो पार्क में रहता है नुक्कड़ नुक्कड़ पे। अच्छा वो जो डॉग है, डॉग कहते हैं ना, कुत्ता नहीं कहते। चैनल पे प्रोग्राम बेटा चल रहा है। ओके। अच्छा बेटा डॉग कहते हैं पता क्या? कुत्ता जो है ना ये यार मैंने उसको कुत्ता ही कहना, उसका नाम है यार। ऐसे ही बातें करी जा रहा है, पता है नहीं तुम्हें ग्रामर पढ़ी है तुमने? ले जाते नहीं हो तुम, तुम्हारी मिस का क्या नाम है? यार बात सुनो बेटा, बात ये है कि ठीक है लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, तो इंग्लिश में डॉग कह लो आप। मैंने मेरा दोस्त है, मैंने कुत्ता ही कहना है। यार वो माइंड करता है अगर उसको डॉग कह दो, डॉगी का बच्चा। यार तुम चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चाय रोड देनी है। डॉगी का कुत्ता ना घर का ना गार्ड का जी। मेरे दोस्त है, आराम से बैठो। मरण डोगी ना हो तो। मरण डोगी ना हो तो। मैंने ना मैं तुम्हारे गोटों पे ठुटे मारने मेरे पास बूट है लकड़ के। वो कहा अंकल ने भेजे थे कि बाहर से? मेरे हमने बाहरले मुल्क से मंगाए थे। बाहरले यार मेरी हर बात पकड़ी जा रही है। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? वो ना वो हेड हैं। हेड इज ऑफ द सारा। अच्छा अच्छा किसी ऑफिस में वो पड़े होंगे जी, ना? मेरे पापा ऑफिसर हैं। हाँ ठीक। उन्होंने तुम्हें जेल में बंद करा देने। अच्छा हाँ जी। अच्छा बेटा ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मामा पापा तुमसे ज्यादा प्यार कौन करता है? नहीं बताना। और सवाल पूछो है? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ तुम्हें जानवर कौन कौन से अच्छे लगते हैं? नहीं बताना। चलो आप पूछो, आप बताऊंगा। प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। यार मेरे दोस्त नहीं फिर तुम।
अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, अच्छा आप ये नहीं कहना कि मुझे नहीं पता था, इंसल्ट हो रही है मेरी। ओके, मेरा दोस्त है ये, मेरा दोस्त है। तुम्हें खाने में क्या, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे गचक। यार तुम्हें क्या? यार बेटा तुम अच्छी चीज, ताकत वाली चीज। गचक क्या होता है? मुरुंडा। यार मैंने नहीं देना इंटरव्यू। मुरुंडा शहर लाहौर दा। यार मैंने नहीं देना। ले मुरुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते गचक चलावे। और ना छोटे बिस्कुट, टैडी बिस्किट, बिस्कुट, टैडी बिस्कुट। हाँ वो तो कब के बंद हो चुके हैं। ले हमने ना, मेरे अबू ने वो ना 200 किलो लेके रखे हुए हैं 1990 के, हम एक एक रोज खाते हैं। अभी हमारे पास 10 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है 200 किलो। यार फिर मेरी बातों को नॉन सीरियस तुम ले जा रहे हो। अच्छा तुम मेरी क्लास में आना, हमने तुम्हें फुटो से मारना है। ऐसे ही शोक आसन हो तो। अच्छा फल कौन सा पसंद है? फल मुझे ना अनानास का केला और अमरूद की, अमरूद के अंगूर। और ना हम तरबूज, तरबूज के अनार भी खाते हैं छोटे छोटे इसकी में से। मैंने सुना तुम 15-15 दिन नहाते नहीं हो, मामा तुम्हें साबुन लेके पीछे पीछे भागती है, गंदे रहते हो तुम, तुम्हारी गर्दन पे डेढ़ी मोटी मैल जमी होती तुम्हें। ये क्या बकवास कर रहे हो यार? तुम्हें क्या, मैं अपने नोज, मैं अपने माउस को चेक कर रहा हूं। यार क्या का नाम है मरे, कैमरा बेटा चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि गंदी हरकत है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाते नहीं है? यार तुम नहीं करते। यार मैं करता हूँ, मैं सबके सामने तो नहीं कर, हर बंदा करता है, मैं सबके सामने तो नहीं करता। वो मेरा माउस। यार अब कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है, लोग देख रहे हैं तुम्हें, लोग प्यार से देख रहे हैं, तुम आगे से इतनी गंदी हरकत है ऐसी, अल्लाह माफी दे, पूरी मगस्ता कुंगल चढ़ा रही तू। तू अंदरों नहीं इंज करके ना अपनी अख का डेला बेंगा कर लेना। अच्छा यार अब नहीं करता। ले पता नहीं कर, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाते नहीं है बैठने उठने की? यार सिखाते हैं, मैं बाहर आके फिर थुक्के छोड़ता हूँ। यार ऐसे नहीं, थुक्के नहीं छोड़ते किसी के ऊपर, जाहल। एक हमारी कुकड़ी ना ऊपर से बैठ करती है, सर पे गिरती है आके। यार मैं तुम्हें नेचुरल चीजें बता रहा हूँ तुम। यार भाई रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही तुम्हें। ओके। लाखों करोड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं बेटा, मुबशर बेटा, तुम्हें देख रहे हैं लोग अपने। मेरा नाम बीन है। बीन, अच्छा बीन, इज्जत वाली बातें करो, बड़ी बड़ी बातें करो। ओके। बड़ी बड़ी। कायद आजम ने फरमाया, एक मिनट यार। यार क्या बकवास? यार खुरक हो रही है। यार खुरक हो रही है। पता नहीं है। इसे कर लो। चलो मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुमने ना ये कैमरा सामने लगा, लाइट नजर आ रही है? लाइट नजर आ रही है ना? लाइट के 2-3 इंच नीचे देखना है तुमने, सिर्फ 2-3 इंच। ये तुम समझो कि तुम्हें पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, तुमने इनको कहना है कि नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आज का प्रोग्राम इतना ही था, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट रहने तो दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और कोई भी एक अच्छी बात कर दो। हेलो फ्रेंड्स, ना प्रोग्राम का वक्त क्या था, खत्म हो गया है और ना हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, हम ना मुरुंडा और गचक लेकर आएंगे और माउस नहीं निकालने चाहिए, कैमरे के माउस को नहीं छेड़ते। और ना लास्ट पे आई विल मैसेज इज दैट प्लीज वो ना आप अपना आप खेला करो शिट किकली क्लियर दी। ये क्या होता है यार? वो ऐसे ऐसे नहीं करते। अच्छा गेहूं को क्यों बता रहे हो यार? प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें, थैंक यू वेरी मच। मैं ना आप किकली क्लियर दी खेला करें और स्टापू और पिट्ठू गरम और रस्सी टप्पा करें और बंदर किला खेला करें, इससे एक्सरसाइज होती है और आपकी हेल्थ अच्छी होती है। यार ये मेरी बात सुनो, ये आपको बड़ी खेलें बताओ, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये क्या ठीपू गोल गरम और वो बंदर किला हद होती है यार? तुम ना
हमारी छोटी सी डेड़ी है। क्या डेड़ी? डेड़ी नहीं होती, घर में जहाँ से घुसते हैं। और डेड़ी ऐसे हाँ, डेड़ी जो दरवाजे वाली डेड़ी टाइमर लेते मकान चुंदी। यस प्लीज। ओके अच्छा वो ना वहाँ भी यार इतनी सी जगह है, वहाँ भी मैं हम इतनी मुश्किल से पहले ही टीपू गरम और स्टापू खेलते, मैं उधर 12 खिलाड़ी कहाँ से खड़े किया करूँ, क्रिकेट वाले बोने खड़े कर दिया करूँ। अच्छा यार छोटे छोटे इतने इतने ले आया। अच्छा मूवी, अच्छा मूवी यार प्रोग्राम खत्म करो यार जल्दी करो। नाज़रीन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं मेरे पास एक बालू, 3 एलिफेंट, 5 रपटे और 10 शार्पनर है, और मेरे पास प्लास्टिक का ज्योमेट्री बॉक्स भी है। ठीक है प्लीज कीप स्माइलिंग एंड कीप लाइकिंग अस। नाजरीन गल है कि मैं बड़े रश के फसी हाँ, तो अपना नवाज शरीफ साहब के इलाज के बारे में गल करें, उन्होंने कार चर्चा इधर बड़ी खप आई थी, तू पहले इधर मैं तुम्हें दस दया कि मैं ये गल तू दस दया कि नवाज शरीफ साहब का इलाज इतने नहीं होना, इतने बहर जाके होना इलाज, जो नहीं जो इतने होना तो फिर गल है कि सा इंशाला इमरान खान तेरा वेखी की हाल कर दे, मियाँ साहब ठीक हो गए दोबारा भी फिर आवगे, फिर मैं भी आवागा, फिर असी सारे इतने आवागे आवागे भी आवागे। यार तू तो परे हो जा थोड़ा जी। नादरी ने खोर पाई चलो पुछते हैं। आओ जी सर आ गया जी आ गया जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਦੇਖ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਰਗਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਨ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਰੋਵਾਲ 'ਚ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਆ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੌਂਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੂੰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋਲੀਵੁਲਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਹਤਾ ਵਾਲਾ ਨਦਾਮ ਔਰ ਮੈਦਮ ਨਰਦਤ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ 30 ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਦ ਔਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੂੰ ਮਾਇਕ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲੋ ਹਰ ਘਰ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵੇਲਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ, ਖੈਰ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾ ਭੂਨ ਟੈਪ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਨਾਦਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਰ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆਪ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਇਸਮੇ ਕਿਆ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੀਂ ਇਸਮੇ ਜਾਊਂ, ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਮਾਂ ਚਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਸ। ਔਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਸੁਭਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ? ਲਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੁਕਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਅੰਦਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਓ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ।
बैठो उधर आओ इधर आओ की हो गया आओ ना इधर अंदर आओ उधर ए आ देखो इथे देखो उधर ए हुन नजर आया ए इहदा इंटीरियर हैंडल हुंदा इहदा गड्डी दा किसे गड्डी दे इहदा हैंडल नहीं हुंदा असी पहली आ गड्डी जिहदे इहदा हैंडल लाया और दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के ए मीटर तुहानू दसेगा कि भी तुसी किन्नी स्पीड ते जा रहे हो आ देखो एक शीशा जहाँ असी लवाया पहली बार जिंदगी मतलब क्या असी वीडियो वेखण वास्ते चीज लाई किसे गड्डी च नहीं लगी हुंदी ऐसी कमाल है गड्डी ए अगर स्टीकर लगा या अगर तो तुसी ला दोगे या लत जगह थल्ले लखण निकल आउंदी फिर और स्पीड इहदी ऐसी है कि मैं कहना पिछली जे तुहाडे को गड्डी ते लगा होवे पैदल भी बंदा अगे निकल जाएगा ऐसी मतलब समूथ और फासला जिहड़ा बिल्कुल इन्ना क लोकी रखदे ने जिन्ना क तुसी रखिया है ना